आप देख रहे हैं किश्तवाड़ क्राउन और मैं हूं आपका होस्ट तौसीफ क्राइबाग। आज पूरे दिन आपने देखा कि किस तरीके से सोशल मीडिया पर जो है वो गहमा गहमी रही। सुबह से ही एक सोशल मीडिया के ऊपर एक भारतीय जनता पार्टी का लीडर है तारिक हुसैन कीन जो भुजवा का रहने वाला है, कल जो है एक जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने इमाम जामिया मस्जिद किश्तवाड़ जो है फारूक साहब उन्हें अड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा था कि इमाम जामिया मस्जिद जो है वो 10 से या 15 हजार रुपया किसी से भी पकड़ता है और कुछ भी ऐलान कर देता है। चलिए फिलहाल इस पर मैं तो बात नहीं करूंगा क्योंकि पहली वीडियो के अंदर हमने आपको पूरी डिटेल्स बताई है कि क्या कुछ उन्होंने कहा और किस तरीके से उसको बाद में सोशल मीडिया के ऊपर वायरल किया गया। उसके बाद इमाम जामिया का जो स्टैंड आया, उनने जो बातें वहां शेयर की वो भी आपके साथ साझा की। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो इमाम जामिया ने की वो भी आप तक साझा की। उसके बाद आज भारतीय जनता पार्टी का जो हेडक्वार्टर है किश्तवाड़, वहां पर भी आज तारिक हुसैन कीन ने भारतीय जनता पार्टी की जो चार दीवारें हैं वहां पर जो है इमाम जामिया जो किश्तवाड़ है उनसे माफी ली। उन्हें बताया कि मैंने जो अल्फाज बताए हैं वाकई अगर उम्मत मुस्लिमा जो है इससे नाराज है, इमाम जामिया अगर मुझसे नाराज है तो मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूं, मैं इमाम जामिया से माफी मांगता हूं कि मैं दोबारा ऐसी हरकत नहीं करूंगा, मैं माफी मांगता हूं। उसके बाद जब वो वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर आई, उसके बाद सभी लोगों ने देखी, उसके बाद फिर इमाम जामिया को मीडिया ने पकड़ा और मीडिया ने कई सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर हैं उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर फिर से एक वीडियो वायरल करी है जिसमें आपको वो माफी मांगते हुए नजर आ रहा था। इमाम जामिया ने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी को जो लीडर है तारिक हुसैन की, कि अगर वो हमें सामने आकर ये बात कहता, मजलिस में आकर हमें ये बात बोलता, हमारी मजलिस में आकर ये बात बोलता तो हो सकता है ये मामला जो है वहीं निपट जाता, मगर ये जो बात है ये पब्लिक में आ चुकी है, पब्लिक के अंदर ये पहुंच चुकी है। उम्मत मुस्लिमा खासकर जो नौजवान मिल्लत है वो बहुत ही ज्यादा गम व गुस्से में है। उनका कहना है कि इस तरह की ऐसी बातें इमाम जामिया के ऊपर करना ये सरासर नाइंसाफी है और गलत है। ये कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई भी भारतीय जनता पार्टी में जाकर बाद में उम्मत मुस्लिमा खासकर इमाम जामिया के ऊपर कोई सवाल या निशान उठाए या कोई ऐसे सवाल खड़े करें या ऐसे कुछ शाइस्ता अल्फाज इस्तेमाल करें, वो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसके बाद इमाम जामिया ने जब मीडिया ने इमाम जामिया से पूछा कि भारतीय जनता पार्टी की जो चार दीवारें हैं वहां से आपको माफी मांगी गई तो इमाम जामिया का कहना था कि जो चार दीवारों के अंदर जो बातें होती हैं वह चार दीवारों के अंदर ही रहती हैं। उन्होंने कहा कि कल जुम्मा का दिन है, कल जो है तारिक कीन आए और लोगों से जामिया मस्जिद में आकर जो है माफी लें, उसके बाद बात की जाएगी। उसके बाद इमाम जामिया से दूसरा सवाल किया गया कि आप एडमिनिस्ट्रेशन के पास गए, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के पास गए, क्या कुछ आश्वासन मिला? तो उन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरा तावन दिया है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन उस पर FIR लगा दिया है, मुझे अभी तक कॉपी नहीं मिलेगी, मगर जैसे उसके पास वो कॉपी मिलेगी, उन्हें कहा है कि मैं FIR के साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी का जो लीडर है तारिक हुसैन कीन उस पर हम डिफॉर्मेशन केस भी करेंगे। आने वाले दिनों के अंदर क्या कुछ रहेगा इस पे स्टेटमेंट्स, क्या वाकई कल फ्राइडे है, क्या तारिक हुसैन कीन जो भारतीय जनता पार्टी का लीडर है, कैसे इमाम जामिया जो किश्तवाड़ है मरकजी जामिया मस्जिद के जो इमाम है फारूक साहब उस पर उंगली उठाई गई है जिससे न सिर्फ उम्मत मुस्लिमा बल्कि जो जवानान मिल्लत है वो भी गम व गुस्से में है। उसके साथ साथ आज जामिया इमाम ने कहा है कि मुझे एडमिनिस्ट्रेशन पर पूरा यकीन है कि वो इस पर कार्रवाई करेगी और साथ ही साथ में ये बात भी बताई है कि वो कल आकर मरकजी जामिया मस्जिद के अंदर आए, लोगों से माफी मांगे, उसके बाद बात की जाएगी। और साथ ही साथ ये बात भी कही है कि तारिक हुसैन कीन को कलमा दोबारा पढ़ना चाहिए। आने वाले दिनों के अंदर क्या कुछ इस पर रहेगा, क्या कुछ स्टेटमेंट्स बाहर आते हैं, क्या वाकई कल फ्राइडे का दिन है, क्या तारिक कीन आकर उम्मत मुस्लिमा के बीच में आकर जामिया मरकजी जामिया मस्जिद में आकर क्या लोगों से माफी मांगेंगे या नहीं, वो भी आपके साथ जरूर साझा करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन,
किस तरीके का कदम उठाएगी वो भी आपके साथ जरूर साझा करेंगे। मगर कल तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।